नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल दिल्ली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। अचानक से आर्यन खान क्यों सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लग गया? आखिरकार शाहरुख साहब के इस शहजादे ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे लाकर खड़ा कर दिया अलॉन्ग विद हैशटैग शाहरुख खान। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धनाधन कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। खान साहब के घर पे एक से बड़ी एक खुशखबरी धीरे धीरे आ रही है। 2020 या 2021 ले लीजिए, कहीं ना कहीं शाहरुख साहब के लिए अच्छा साल नहीं रहा है। फिल्में तो आई नहीं रही थी, साथ ही साथ पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स भी सामने आई, यानी कि आर्यन की प्रॉब्लम, वो बात हमें पता है। 2021 में आर्यन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था क्रूज से, जहां पर उनके ऊपर ड्रग्स का आरोप था, खरीद फरोख कंजम्पशन और ये सारी चीजें, जिसपे हालांकि केस चला, बट लेकिन आर्यन ने जेल में अपनी रातें काटी। शाहरुख खान रोक भी नहीं पाए थे। फिर उसके बाद बात अच्छी है कि दिवाली से पहले पहले ही शाहरुख खान के शहजादे आजाद हो गए। अब दोस्तों यहां पर NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है आर्यन के पासपोर्ट को जब्त कर लिया था, जी हां, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और स्पेशल कोर्ट में, मुंबई स्पेशल कोर्ट में आर्यन ने एक याचिका भी 2-3 हफ्ते पहले दाखिल कर दी थी कि भाई सर मेरे को मेरा पासपोर्ट लौटा दो। ऑब्वियस सी बात है, आर्यन जो है वो बाहर पढ़ाई करता है, अब्रॉड में फिल्म स्टडी करता है, इस वजह से उसके लिए जरूरी भी था। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब फाइनली स्पेशल कोर्ट ने एनसीबी को हड़काते हुए बोल दिया कि ए, सुनो तुम लोग दे दो चुपचाप बच्चे का पासपोर्ट। जी हां, आपको बता दूं तो ये एक गुड न्यूज है शाहरुख साहब के लिए भी। खान साहब आज बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके बेटे सुपुत्र को उनका पासपोर्ट वापस मिल चुका है। और एनसीबी को स्पेशली बोला गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि तुम जो है इसका पासपोर्ट लौटा दो। अब आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूं, बाय बाय।